very good, hold. लेखक
का परिचय मैं आपसे कराऊं। इससे पहले आंशिक प्रस्तुतियों में आपको अपनी कल्पना शीलता का भी थोड़ा उपयोग जैसे आप करते हैं करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से कुछ दृश्य उठाए गए हैं और आप नींद के बाहर नाटक जिस व्यक्ति ने लिखा है उसको आप जानते हैं, आपके बीच में है, वो इस वक्त उपस्थित हैं। आप उनको फीचर संपादक, पत्रकार, संपादक, कथाकार और यहां तक कुछ सम्मान कथा सम्राट के भी नवाजे गए हैं उनको। लेकिन आज हम इस मंच से संबोधित करेंगे नाटककार धीरेन्द्र अस्थाना। बाहर चूंकि हमारे अगले चरण में पेश होगा उसकी झलकियां हम आज आपको दिखा रहे हैं, तो लीजिए। साले, एक हफ्ते से तूने हफ्ता नहीं दिया क्या? मेरे को बेवकूफ बनाता है बड़े। मैं यहां की घरवाली हूं। क्या हूं? घरवाली। जिसका धंधा कभी नहीं होता मंदा, ये वो तंदूर है जो कभी ठंडा नहीं होता। बच्चे चमेली साली, चमेली ¡Gracias!
जी बच गई मैं। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, टीवी, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेबल लैंप, सिंगल लैंप, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, फोन, कंप्यूटर, फैक्स, अंतिम दिनों में देखिए पिताजी का बहुत प्रिय मुझे लगता है इस घर को हमें इस तरह बुला नहीं देना चाहिए। क्या हो सकता मेरे नींद की दुनिया के बाहर एक दुनिया नहीं भी है पिताजी का। आखिरी अरमान जो आखिरी सामान की तरह हमारे पास बचा, दिल का दौरा पड़ा, अंधेरे में गुम हो गया धनराज चौधरी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धनराज को साथ में एक लाल ईंट लिए अयोध्या के रास्ते पर पैदल जाते देखा था। अदाकारा का नाम है सुश्री किरण उत्तरेणी। हकीकत में अपने जीवन से जूझती और आज उन्होंने जो अपने जीवन को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया उन्हीं की अपने जीवन की कथा है जिसको पेश किया सविता ने। तिरंगा के जाने माने अनुभवी रंग अभिनेता जिन्होंने आपके सामने नीम के बाहर के कुछ अंश प्रस्तुत किए उनका नाम है श्री राजकुमार। एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन की शुरुआत से ये कोशिश रही है, ये प्रयास रहा है कि हमारी प्रस्तुतियां इस तरह की हों जो रंगम में प्रचलित भ्रम को तोड़े कि अक्सर नाटक जब दिखाया जाता है तो सब लाइटें बंद रहनी चाहिए या बहुत बड़ा सेट जरूरी होता है या मंच हम उसको कहते हैं जो हमसे ऊंचा हो और दर्शकों से हम तालियों के अलावा रचनात्मक सहयोग सकारात्मक योगदान की अपेक्षा करते हैं और आपकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है हमारी प्रस्तुतियों की शैली से कि नाटक आप में से उपजे और भले ही वो मुद्दा आपका ना हो वो विषय आपका ना हो लेकिन आपका सरोकार उससे है, आपसे जुड़ाव उससे है, चाहे वो सीधा व्यक्तिगत हो या समाज का हो या देश का हो।
नहीं है। हम अगली प्रस्तुति पेश कर रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है लाडली। लाडली एक ऐसे विषय पर है जो सभ्यता के नाम पर कलंक है। हम जब सभ्य कहते हैं, इंसान कहते हैं, और वही हम जघन्य कृत्य जिसको कहते हैं हीनियस क्राइम, या कहें कोल्ड ब्लड मर्डर, और त्रास्त देखिए जो पैदा करती है परिवार, उसी को हम कोख मार देते हैं। इसमें यही बात तो लीजिए, आपके सामने पेश है नाटक लाडली। जो भी इश्यूज हैं लाडली के, जो कन्या भ्रूण हत्या के
सारे इश्यूज को बहुत ही सेंसिटिवली और बहुत इम्पैक्ट से इस प्ले में जो है प्रस्तुत किया गया है। तो मैं मंजुल जी का और एक्सटर्नल थिएटर फाउंडेशन का, भारतीय महिला फेडरेशन का और अब जो भी आज परफॉर्म किए हैं उन सबकी बहुत ही और ये जो अभियान है एक पॉपुलेशन बस की अभियान है, ये हर आदमी और औरत की, हर इंसान की एक अभियान होना चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि पीटीए फाउंडेशन ने इसको इतना आगे बढ़ाया है एंड दिस इज रियली वेरी वेरी और हम ये जो नाटी अभियान है, जैसे बहुत सारे चीज जो है ये ट्रेन में बताया गया है कि जैसे सेक्स किस तरह से घटते जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। हर बार मैं जब किसी से बात करती हूँ तो कहते हैं अच्छा ये हो रहा होगा बस्तियों में, हो रहा होगा गांव में, हो रहा होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गाँव में नहीं हो रही है, बस्ती में वहाँ पर भी हो रहे हैं, मतलब इतने लेवल पर नहीं हो रही जितना मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में हो रही है। अगर हम सेक्स रेशियो मुंबई का देखते हैं तो क्योंकि जब हमें लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं समझती हूँ कि समाज का सामाजिक विषयों को काम करने का एक बहुत ही अच्छी सी सार्थक माध्यम है। और क्योंकि ये लोगों की दृष्टिकोण बदलता है, जब हम वर्कशॉप्स करते हैं तो मैं देखती हूँ ये लड़की जो है अभी इस प्ले में पार्ट लिया है बाई दे, और बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो हमारे से और मंजुल जी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है माइंड सेट में, दैट इज अमेजिंग एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और कमिटमेंट बनाता है लाइफ लॉन्ग, जो भी देखते हैं ये नाटक तो उनके दिल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उभर आते हैं और शायद वो घर जाकर कुछ उसके बारे में सोचते होंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई रास्ता है क्या। तो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसे एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ घरों के लिए हम वो छोटी सी लड़की जो माँ मुझे बच्चा माँ, तो हम उसकी जगह पर हो जाते हैं एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस फील सो इन्वॉल्व इन द इशू। और मैं ये सोचती कि पीटीएफ की कामयाबी जो है इसी में है कि वो लोगों को सोचने में करता है और उनको कमिटमेंट देने की और बदलाव लाने की लाने में मजबूर करता है। मैं कामना करती हूँ कि पीटीएफ की पहचान और कामयाबी दिन ब दिन बढ़े और समाज में बदलाव लाने की कोशिश मेरी हो पूरी तरह से। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात संप्रेषित की है, शारदा जी हमारे बीच में है और आप सबको जिनको लगता है कि इस मुद्दे पे बात करनी है तो पॉपुलेशन फर्स्ट और एक्सपेक्टेड थिएटर फाउंडेशन से संपर्क साधा जा सकता है। और पॉपुलेशन फर्स्ट के पास फिल्म, नाटक, पोस्टर, पंपलेट और सारे वो तथ्य मौजूद हैं जो हमारी भ्रांतियों को तोड़ते हैं। तो हम जब ये कार्यक्रम हमारा समाज खत्म होगा तो आप शारदा जी से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी दूसरी मेहमान दर्शक अतिथि हम सबके शुभचिंतक रामचिंतक साहित्यकार वामन पुत्र का हूँ। हिंदी साहित्य में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां सुश्री राजन नटराजन पिल्ले जी मौजूद नहीं होती। हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम, प्रगतिशील साहित्य अपना सक्रिय योगदान करता हुआ वो नाम जिसको मैं अभी आमंत्रित करता हूं। आपका विषय है थिएटर ऑफ रेलेवेंस ऑफ हिंदी साहित्य, सुश्री राजन नटराजन पिल्ले। डॉक्टर शारदा की तरह मैं भी चाहती थी कि बैठ कर बोलूँ लेकिन जन्म से मैं अपनी हाइट की वजह से मारी गई। माइक भी नहीं बना है जो मेरी हाइट का होगा, तो मैं जरा माइक वाला एडजस्ट करता रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मेरी पूरी हाइट मिलाकर लोगों की आधी हाइट है,